सो दे गाइस गुड मॉर्निंग. सो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का कंटिन्यूएशन. तो हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो ये होटल में ही हमने ब्रेकफास्ट किया. सो यहाँ इस होटल में ना काफ़ी अच्छे वैरायटीज़ की ब्रेकफास्ट मिली है हमें, और अंदर ये पूरा किचन एरिया है इनका. ब्रेकफास्ट बहुत ही मज़ेदार थे, जितने दिन भी हम रहे अच्छे से हमने ब्रेकफास्ट को इंजॉय किया. यहाँ चल रहा था मेरा शूट फॉर इंस्टाग्राम, और उसके बाद हम निकल पड़े थे मंदिर की ओर. चलो जी, हम लोग रेडी हो गए हैं और अभी जा रहे हैं विंध्याचल मंदिर. सो सब रेडी, सो डायरेक्ट मिलते हैं विंध्याचल मंदिर, फिर उसके बाद आके हम लोग करेंगे बोट राइड. पर देखते हैं कि बोट राइड हो पाएगा कि नहीं, बट आई होप सो कि हो जाए. तो जी हम सारे निकल चुके थे विंध्याचल मंदिर की ओर, जो कि आपका वाराणसी से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है. और विंध्याचल मंदिर आपका मिर्ज़ापुर में लोकेटेड है. बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है माता रानी का. व्यू भी बहुत ही अच्छे थे टुवर्ड्स मिर्ज़ापुर. तो आप लोग को पता ही होगा ना कि वेब सीरीज़ जो आई थी मिर्ज़ापुर, ये वहीं पे ही है ये मंदिर. एंड आई होप आप लोग को पता ही होगा विंध्याचल मंदिर, जो कि बहुत ही फेमस मंदिर है आपका उत्तर प्रदेश का. गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, एसी गाड़ी में थे तो बच गए. ऐसे जाना तो पॉसिबल शायद हो नहीं पाता इतनी गर्मी में, बट वहाँ का व्यू भी अच्छा था एंड इन्जॉय कर रहे थे हम सब गाड़ी में बैठ के. तो हम पहुँच गए थे, हम लोग को 1 घंटा लगा था मंदिर पहुँचने में. तो यहाँ ना हर एक शॉप्स में एक पार्किंग एरिया भी है, और हमने एक ऐसे ही शॉप में अपनी गाड़ी पार्क कर ली थी. सीधा हम जो लोग चले पड़े थे मंदिर. तो ये है मंदिर, मंदिर का एंट्रेंस. यहाँ पे आप अपना पार्किंग कर सकते हैं और प्रसाद ले सकते हैं, बड़ा सोच समझ के लेना. और ये है वो मंदिर. तो बाहर भी शॉप से मंदिर से जो भी प्रसाद आपको चढ़ाना है माता रानी को वहाँ मिल जाएंगे, और अंदर भी काफ़ी सारे शॉप्स हैं. तो ऐसा नहीं है कि आपको अगर आप अंदर घुस गए और आपको प्रसाद नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है. दो तरफ ही सारे शॉप्स हैं. ये लोग को प्राइस बहुत ज़्यादा, लोग बोलते हैं कि हर चीज़ चढ़ेगी माता रानी को, बट आप अपनी श्रद्धा से जो मर्जी चढ़ाना चाहते हैं माता रानी को वो चढ़ा सकते हैं. सो एज़ यूजुअल मैं तो अपनी जो ये यात्रा है जो मेरी मंदिर जाने की, और मैं तो अपना इन्जॉय कर रही थी एंड वीडियो को शूट कर रही थी. एंड मंदिर बहुत ही अच्छा था अंदर से. ये नया मंदिर अभी बन रहा है पूरा, एंड हम जस्ट अब यहाँ पर से बात कर रहे थे कि अंदर और क्या क्या देखने लायक है. वैसे तो जो हमारे साथ जो थे सभी ऑलरेडी वो लोग घूम के आ चुके थे, ये हमारा पहला विजिट था. तो बस ये सारा कॉरिडोर जो है ये नया बन रहा है अभी, एंड ये है मंदिर का मेन एंट्रेंस. तो यहाँ पे मोबाइल उतना अलाउड नहीं है, बट हमें VIP लाइन मिल गई थी, तो हम लोग VIP लाइन में घुस गए थे. एंड मंदिर का इंटीरियर बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा मंदिर, एशियन टेम्पल जैसे बोल सकते हो आप वो है. मंदिर काफ़ी पुराना है, काफ़ी साल पुराना है, और इसकी मान्यता भी बहुत है. मानी जाती है कि मिर्ज़ापुर में इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा मानी जाती है. ये है मंदिर का सीधा एंट्रेंस. आगे जाके मैं इतनी वीडियोस नहीं ले पाई, भीड़ भी बहुत थी और हम मुझे अलाउ भी नहीं किया. तो हम लोग यूजली लाइन में लगे थे, अगर VIP लाइन से तो हमारा जल्दी हो गया था, अगर तो हम मेन लाइन में जाते तो हमको काफ़ी दिक्कत होती. देख सकते हो बहुत ज़्यादा है, और ये छोटा सा गेट है. यहाँ कह रहे थे कि आप हनुमान जी को इसकी प्रार्थना करके आप अंदर जा सकते हैं. तो मंदिर का दर्शन हो गए थे, और हम सारे मंदिर दर्शन करने के बाद यहाँ आके बैठ गए थे थोड़ी देर तक. एंड ये है मंदिर जहाँ पे मोबाइल से शूट नहीं करने दिया, तो हम बस थोड़ी देर बैठ के बाहर का व्यू इंजॉय कर रहे थे. घर भी बहुत ही खराब ही नहीं और जा रहा था बाहर, इतना गर्म लग रहा था. एंड बट ये जो मंदिर जो बनाया है नया, वो बहुत अच्छा मंदिर बनाया है. बस हम अंदर से होके बाहर की ओर निकल रहे थे, तो अंदर भी छोटे छोटे कुछ अलग अलग छोटे देवी देवताएं भी बना के रखे थे. अब देख सकते हो ना गेट कितना छोटा है, और उसी छोटे से एंट्रेंस से हमें बाहर निकलना है. एंड देखो कितना अच्छा लगता है ना, अगर एशियन मंदिर ऐसे ही आप जाओ इतने
साल पुराना और बहुत अच्छी ब्लेसिंग मिलती है माता रानी से, और वी आर लिटरली वेरी ब्लेस्ड कि माता रानी ने हमें यहाँ दर्शन दिए और अच्छे से दर्शन हुए। हमें जितने भी टेंपल्स में गए ना, हमें सब जगह अच्छे से दर्शन हुए, हम लोग को कोई भी किसी चीज़ की भी तकलीफ नहीं हुई है। सो ये हम बाहर आ गए तो बहुत अच्छे दर्शन हुए। अंदर मोबाइल अलाउड नहीं, थोड़ा बहुत ही अलाउड है बट अलाउड नहीं कुछ भी लेना। बस हम लोग अब कॉरिडोर रहे, तो ये देखो ब्यूटीफुल सा कॉरिडोर बना, ये पहले नहीं था ये सब कुछ। मतलब इधर से क्या चक्कर लगा रहे हैं, दर्शन बहुत अच्छे से हुए। अचानक पता नहीं कोई एक लड़की है ये मुझे कहती है फ़ोटो खींचने के लिए, और मैं फ़ोटो खींच भी लिया। पता नहीं क्या है क्या नहीं होगा, बट कोई नहीं, माता रानी है, शिक्षक है, भोलेनाथ है, गुरु जी है, सबको शिवों का मन में इतना रहम नहीं रखती। आगे बढ़ते हैं, कॉरिडोर के दर्शन सारे करते हैं, और बस मिलते हैं। तो ये मंदिर दर्शन करने के बाद अब हमने प्लान बनाया था बोट राइड का। अब हमें वापस वाराणसी जाना था, जो कि हमें एक डेढ़ घंटे लग गया था वापस पहुंचने में।